लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। नो द लॉ में आज हम बात करने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर अदालत की अभिरक्षा यानी कि जुडिशियल कस्टडी में है और जेल में बंद है तो वो उसके परिजन, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, भाई बहन, वकील कैसे आकर जेल में मिलेंगे, वो क्या प्रोसेस है, क्या एप्लीकेशन करनी पड़ती है, किससे बात करनी पड़ती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं, जो निर्भया कांड में दोषियों के वकील थे, बड़ा रेनाउंड उनका चेहरा है, 2 दशक से ज्यादा की उनकी बड़ी वकालत है ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। डॉक्टर एपी सिंह साहब, क्या प्रोसेस होता है जेल में जाके मिलने का, किसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है और कौन लोग मिल सकते हैं? देखिए, सभी के जेल मैनुअल होते हैं, हर प्रदेश के जेल में, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली जेल मैनुअल है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल है। उसमें जेल मैनुअल के मुताबिक जब मुलजिम पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी पहुंच जाता है, 14 दिन का रिमांड शुरू होता है, तो क्योंकि सब समाज के लिए तो दोषी वो हो सकता है, तो वहां जब पहुंच जाता है तो व्यक्ति माता पिता भाई बहन सभी चाहते हैं उससे मिले, कैसा है, किस हालात में, क्योंकि पुलिस उससे मिलने नहीं देती अपनी अभिरक्षा में। और जेल पेश करते समय कोर्ट में, आजकल कोरोना काल चल रहा है तो वहां भी दूरी रहती है, पहले जो कोर्ट में ही मिल लेते थे पेश होते समय, जाते समय, लॉकअप तक आते समय, लेकिन अब वो भी स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जेल ही एक साधन है। तो जेल में यदि कोरोना की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जेल में, आजकल कोरोना काल में थोड़ा बंद कर रखा है, एक बात ये मैं आपको क्लियर कर दूं, तिहाड़ जेल में अभी किसी की मुलाकात नहीं हो रही है, तिहाड़ जेल में किसी परिजन की मुलाकात 22 मार्च के बाद से नहीं हो रही है, बिल्कुल 23 मार्च से अभी तक नहीं, केवल वकीलों के वकालतनामे वगैरह जाते हैं, उनसे काम चल रहा है। दूसरी बात, जब परिवार से मिलने के लिए जेल के दिन फिक्स होते हैं राशि के आधार पर, ABCDEFGH इस दिन मिलेंगे, IJKLMN इस दिन मिलेंगे, ऐसे उन्होंने दिन बांट रखे होते हैं जेल वालों ने, जिससे एक ही दिन कहीं सब वाले आ जाएं, एक ही दिन सारी राशि के ऐसे आ जाएं, तो अलग अलग बाइफरकेट कर रखा है उन्होंने राशि के हिसाब से, तो जो व्यक्ति का परिवार का जिसका नाम है तो उस नाम से आधार पे अपने डे के आधार पर जाता है, वहां अपना नाम लिखवाता है रजिस्टर में, फिर नाम लिखवा के अंदर जाती है, उसकी पर्ची जाती है अंदर, फिर वो मिलना चाहता है मुलजिम, अगर मिलना चाहता है तो वो सहमति देता है और मिलने आ जाता है। और इसके लिए मुलजिम से जब जेल में वो जाता है, पहले दिन जेल में जाता है, तो उससे उसके परिवार वालों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि तुम्हारे माता मिलने आएंगे, अब किसी के पिता नहीं है, माता है किसी के, तो वो अपने 2-4 लोगों के नाम लिखा देता है उसमें, 2-3 लोगों के नाम लिखवा देता है कि ये मिलने आए तो हमारी मुलाकात कराई जाए, तो वो लोग जाते हैं, पहले दिन जाए, दूसरे दिन जाए, तीसरे दिन जाए। आजकल जेलों में कुछ ये भी प्रावधान कर रखा है, कोरोना की वजह से जब बाहर से मुलजिम आता है तो 14 दिन क्वारंटाइन कर देते हैं, जैसे मैं कई जगह मैंने देखा है 14 दिन क्वारंटाइन कर देते हैं, 14 दिन क्योंकि वो बाहर से आया है, उसका टेस्ट और वो सब क्वारंटाइन करेंगे, तो उसे रख देते हैं, फिर उसे अन्य मुलजिमों से भी नहीं मिलने देते, स्टाफ से भी नहीं मिलने देते, केवल उसे खाना पीना और अलग वार्ड बना रखा है, तो उसे बाहर मिलने के लिए नहीं निकाल के लाते हैं, क्योंकि ड्योढ़ी पे लाएंगे मिलने के लिए तो प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह से। और वकीलों की जो बात आपने पूछी, वो वकालतनामा परिवार वाले को देते हैं, फिर वो साइन करता है, जेलर जो जेल सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट उसको अटेस्ट करता है, मोहर लगाता है अपनी और उसे अंगूठा लगवाता है, और प्रोसेस आगे लीगल शुरू हो जाता है। तो क्या ये इस मिलने से पहले क्या परिजनों को, मान के चलिए हाइपोथेटिकली अगर मैं मिलने जा रहा हूं तो क्या मुझे प्रोसेस क्या फॉलो करना पड़ेगा? पहले मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उनको सूचना देनी पड़ेगी, उनको मोबाइल से बात करनी पड़ेगी, प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं मान के चलिए मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि वो प्रोसेस क्या? पहले तो आपके मित्र ने आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपके मित्र ने जुडिशियल कस्टडी जाते समय आपका नाम लिखवा रखा हो, अगर नहीं लिखवा रखा तो आपको वहां एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन वहां देंगे और उसके बाद उस आपके मित्र से जो अभिरक्षा में है, जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक अभिरक्षा में, उससे पूछा जाएगा कि माननीय विप्लव अवस्थी जी आपसे मिलने आए हैं और वहां खड़े, तो वो सहमति देगा, फिर आपसे कहा जाएगा आप रुकिए, और वो आएगा और शिक्षकों के पीछे से वहां खड़े होकर बात होगी। ठीक है, ये इस तरह का है, यही परिवार वालों के लिए भी है, मित्रों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, यही वकीलों के लिए भी। क्या वो जेल में अभिरक्षा में बंद व्यक्ति को पैसा, खाना, दवाई, क्या वो व्यक्ति ले जा सकता है या उसके लिए अलग से कोई परमिशन की जरूरत हो? नहीं, अगर अगर जेल जाते समय उसे कोई बीमारी है, पुलिस को लगती है कोई बीमारी है,
और कोर्ट को भी सामने वो दिखाता है कि हमारी ये बीमारी है, उसके परिवार वाले या उसके वकील दिखाते हैं कि उसका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है इससे बीमारी, तो वो जेल उसी जो वारंट लिखा जाता है जेल भेजने का, कस्टडी वारंट जिसे बोलते हैं, उस पर वही दवाएं लिख देते हैं कि दवाएं इन्हें उपलब्ध कराई जाए। अगर वो नहीं वहां दे पाते हैं तो जेल में पर्चा दिखा के दे दिया जाता है कि इसका इलाज ये दवाएं दे रहे हैं, वो चेक करके दवा दे देते हैं। कुछ लोग प्यार में, लव एंड अफेक्शन में भोजन भी देना चाहते हैं अपने घर का बना हुआ, तो वो चेक करके खाना चेक करके खिलाया जाता है उसे, जो लेके जाता है खाना पहले उसे खिलाया जाता है, उसे खिलाया जाता है कि इसे खाओ, और उसके बाद फिर बंद करके दे दिया जाता है। फल भी चेक करके दिए जाते हैं, कपड़े भी चेक करके दिए जाते हैं, और वकीलों की मुलाकात ऐसे नहीं होती जब तक वकालतनामा पर साइन ना हो, जब तक वकालतनामा पर साइन ना हो तब तक वकीलों की मुलाकात मुलजिम से नहीं हो सकती। नहीं, उसको खिलाया क्यों जाता है, इस प्रोसेस को क्यों किया जाता है? जहर इसलिए किया जाता है, कहीं उसमें भाई दोस्त को पता नहीं होता है हमसे दोस्ती कर रहा है दुश्मनी, आजकल पति पत्नी को नहीं पता होता है ये हमें जहर में खिला देगी या ये मार देगी क्या कर देगा। आजकल की समय आधुनिक हो गए ना, हम बहुत मॉडर्न हो गए, तो बहुत मॉडर्न में विश्वास, सत्य, आस्था ये सब खत्म हो चुका है, इसलिए उसको खिलाया जाता है, कहीं तुम हमारी कस्टडी में मरवा ना दो, किसी को दुश्मनी ना निभा लो, बन के दोस्त आ जाओ और ले आओ किसी के बदले जहर डाला हुआ खाना, वो खा ले मर जाए, इसलिए उसको खिलाते हैं जिससे कोई जहर ना। जेल में जो तमाम जीवन जीने की सुविधाएं हैं उनको भी बाहर से ले जाके दे दिया जा सकता है, या कुछ पैसे भी नगद दिए जा सकते हैं कैदी को? हाँ, वहाँ जेल में एक अकाउंट होता है, अंदर कैंटीन होती है, बारबर होता है, नाई वाई भी होते हैं, और कपड़े की दुकान होती है, कपड़े भी खरीद सकते हैं, मिठाई खरीद सकते हैं कैंटीन में, और चीजें अपनी जरूरत की, तेल है, साबुन है, इस तरह से चीजें खरीद सकते हैं। महिलाओं की जेल में ब्यूटी के भी साधन है, ब्यूटी पार्लर भी होते हैं, उनकी मेहंदी लगाना है, मतलब इस तरह के मानव के अधिकार, जो जीवित रहने के लिए एक मानव को अपने अधिकार चाहिए जीवंत रहने के लिए, वो मूलभूत सुविधाएं वहां दी जाती हैं। उसके लिए एक जेल का अकाउंट होता है, क्योंकि अंदर पैसे नहीं चलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो अकाउंट में पैसे डाल देते हैं परिवार वाले 500, 1000, 2000, फिर वो अंदर उसके अकाउंट में चढ़ जाते हैं, फिर अकाउंट में चढ़ जाते हैं तो उसको वो लेन देन अपना उसी से करते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं तो फिर डलवा देते हैं। आजकल नेट बैंकिंग है, नेट से भी अकाउंट ऊपर जाते हैं, नकद भी जमा हो जाते हैं, जेल के गेट पे जब मुलाकात पे जाते हैं रजिस्टर पे जमा कर दिए जाते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। अंदर लीगल सुविधा भी होती है, लीगल सुविधा भी अंदर उपलब्ध कराती है भारत सरकार, जो राज्य सरकारें हैं वो उपलब्ध कराती है। यदि किसी मुलजिम को लीगल सुविधा चाहिए, लीगल एड, तो वो भी वहां उपलब्ध कराई जाती है और वहां उपलब्ध रहती है। जो मानव अधिकारों का किसी भी सूरत में हनन हो, चाहे भोजन से, चाहे मिलने से, चाहे जुलने से, चाहे रहने से, चाहे आने से, इस तरह का सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है जेल मैनुअल के मुताबिक। बहुत बहुत धन्यवाद एपी सिंह साहब, आपने बहुत कंक्रीट और तमाम चीजें इस विषय पे बताएं कि आखिर कैसे कोई परिजन है, अगर उनका उनका खासम खास आदमी जेल में बंद है तो वो कैसे किस प्रक्रिया से उससे जाकर मिल सकते हैं। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो एक इसी वीडियो के नीचे एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप एपी सिंह साहब से संपर्क कर सकते हैं और कोई भी उनसे प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही और अभी धन्यवाद, थैंक यू सर। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।